सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 11 दिसंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो आईपीओ है 2 से 6 दिसंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 530 से 550 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 550 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। और देखिए, इसका अलॉटमेंट आ चुका है। और अगर आपने अभी भी अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ 14 दिसंबर के दिन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन प्रीमियम 41 से 46 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 550 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। 46 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 596 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से प्रीमियम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों या कुछ दिन पहले इसका जो प्रीमियम है करीब 150 रुपए के हाईएस्ट स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन प्रीमियम में लगातार गिरावट के साथ आप देख सकते हैं प्रीमियम 46 रुपए के आसपास तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इसका जब सब्सक्रिप्शन चल रहा था तब प्रीमियम थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद से ही प्रीमियम और ज्यादा नीचे आ चुका है। तो देखिए, निवेशकों को बहुत ज्यादा यहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई इस आईपीओ में आखिर ऐसा ना हो कि मुझे लॉस हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो यह आईपीओ आपको करीब 5 से 20% के बीच में आपको प्रीमियम कमाकर दे सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहां पर खराब रहता है तो यहां पर कम पर भी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करके चलते हैं तो यह कंपनी काफी बेहतरीन है और निश्चित रूप से काफी पुरानी कंपनी है, तो यहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिला है तो निश्चित रूप से अगर यह कम पर लिस्ट होता है तो आप इसको होल्ड करके रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा सुधरेगा, प्रेशर से बाहर आएगा, आपको इस आईपीओ में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाना चाहिए। फिर देखिए, अपना अपना एनालिसिस होता है और आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर इसके बारे में सलाह लें और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि यहां पर जो भी मैंने बताया वो मेरा पर्सनल व्यू है और पर्सनल एनालिसिस के दम पर मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो आपको जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर ही करना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।